खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के कैटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम अब जल्दी ही खंडवा के सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर होगा। इस मेडिकल कॉलेज में कार्यकारिणी और जिला योजना समिति में प्रस्ताव पारित हो गया है। यह प्रस्ताव शासकीय चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया है। वहां से आदेश आने के बाद समारोह पूर्वक खंडवा के मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। खंडवा में शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन दिसंबर 2015 में खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने ही किया था। कॉलेज का भवन बनने के बाद 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था। खंडवा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट है। इसी साल मार्च में खंडवा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का आकस्मिक निधन हो गया। नंद कुमार सिंह चौहान 7 बार खंडवा के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं शामिल हुए थे। उसी समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। इसी घोषणा के बाद कोरोना संक्रमण के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, पर अब मेडिकल कॉलेज कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद जिला योजना समिति की बैठक में भी इस बारे में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अब शासकीय चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया है। जल्दी ही वहां से अप्रूवल होने के बाद एक समारोह पूर्वक इस मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम माननीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से रखा जाएगा। इस घोषणा के उपरांत हमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से आदेश आए थे कि आप अपने स्तर से इस पर कार्रवाई शुरू करें। फिर हमने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम माननीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से रखा जाए। और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद में संबंधित पत्र हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भेजा था और उसकी एक कॉपी हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी भेजी थी। फिर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक में जिला स्तर योजना समिति ने ये निर्णय लिया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम माननीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रखा जाए। अभी ये प्रस्ताव पारित होकर उसके जो कार्यवाही विवरण और लेटर हमें मिला है उसकी कॉपी चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी गई है और हमने भी एक पत्र प्रेषित कर चिकित्सा शिक्षा विभाग को कहा है कि ये नामकरण संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ है। अभी हमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से ये नाम का बदल होने के आदेश तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में एक समारोह के तहत हम इसका नामकरण जो है वो प्रोसेस कर लेंगे। कॉलेज सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी बहुत खुश नजर आए। नंद कुमार सिंह चौहान न केवल खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के बल्कि पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। उनका जन कल्याणकारी व्यक्तित्व सदैव लोगों को याद रहेगा और मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर हो जाने से क्षेत्र की जनता हमेशा इस लोकप्रिय नेता को याद करती रहेगी। शासकीय मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे संसदीय क्षेत्र के, जिन्होंने वर्षों तक हमारे निमाड़ का प्रतिनिधित्व करा, ऐसे सबके लाडले जिन्हें पूरे निमाड़ की जनता नंदू भैया के नाम से पुकारती थी, उनके फिनरल के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने घोषणा करी थी और आज उसके आदेश जारी हुए हैं। निश्चित ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल और साथ में हमारे सांसद माननीय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान जी की यादें वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थायी रहेगी और हमारी मेडिकल कॉलेज को नंद कुमार सिंह जी चौहान मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाएगा।